हमारे साथ हैं मनोज तिवारी, आपको देखा हमने योगा डे में पसीना बहाते हुए। इससे पहले चुनाव हुए तो उसमें भाया विधानसभा आ रहे हैं, क्या लगता है ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा कि आसानी से आप लोग फतह कर लेंगे ये किला? नहीं, आसानी से तो कुछ भी मिलता नहीं जी, और हम परिश्रम से घबराते नहीं जी। तो हमें पता है, हमें सब कुछ काफ़ी संघर्ष करके लेना है, और दिल्ली की खुशियाँ बिना संघर्ष के नहीं मिलेंगे जी। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल कोई अनाउंसमेंट किए, अभी वो अनाउंसमेंट चली रही थी तब तक आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, आपने उसका तुरंत विरोध किया। अभी वो आपने उसको जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट वाइज लेके आना चाहते हैं, उसमें क्या विरोध है आपका? दिल्ली सरकार अगर 4.5 करोड़ रुपये व्यय कर ले अपने ऊपर, तो आपका क्या विरोध है इसके? मेरा विरोध नहीं है, तो कल ही से करो ना, कह क्यों कह रहे हो जी? हम तो कह रहे हैं जल्दी करो। लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ ये चुनावी वायदे हैं? मैं आपको ये बोला कि ये तो कई बार कहते रहे हैं ना जी, अभी तो वाईफाई ढूंढ ही रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे होंगे नहीं पकड़ना तो जी। पानी फ्री था तो वो भी देख रहे हैं जी, क्या है ये तो लोधी गार्डन में हम लोग हैं, हम उन बातों को भी योगा के उसमें भूमिका में है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरा विरोध है कि मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली इतनी समृद्ध हो जाए जी कि सीनियर सिटीजन का भी कुछ न लगे। सीनियर सिटीजन ने क्या गलती की है जी? बच्चों ने क्या गलती की है? पत्रकारों ने क्या गलती की है? एडवोकेट ने क्या गलती? सबको दे दो ना जी। लेकिन जिस तरीके की उनकी फ्री राजनीति पिछली बार उन्होंने की और चुनाव में जीत के आए, इस बार आपके क्या मुद्दे होंगे अगर आप लोग चुनाव में जाएंगे? और आपको भी ऐसा चेहरा ही प्रोजेक्ट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अभी उसकी औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में आप जाएंगे? हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि 5 साल के लिए दिल्ली दीजिए, हम बेस्ट दिल्ली बना करके देंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत नहीं होगी, घर घर में नल से पानी भेजेंगे, साफ पानी भेजेंगे, और पानी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल की व्यवस्था, हाँ जो बीमार होगा उसका हम फ्री इलाज कराएंगे जी। उसमें हमने शुरू कर दिया है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में भी लागू करेंगे 5 लाख रुपया तक की, तो गरीबों को मतलब जिनका 10,000 रुपया तक इनकम है महीना जी, उन लोगों को हम ये व्यवस्था देना चाहते हैं। और ऐसे 10.75 करोड़ परिवार हैं जी, उनको हमें पूरे देश में हम कर रहे हैं, दिल्ली उससे महरूम है, उसको भी लागू करेंगे। और न हम पेरिस न लंदन कुछ बनाने का वादा कर रहे हैं जी, हम दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली बना के देंगे 5 साल के अंदर जी। एक भोजपुरी का भी सवाल है, रवि किशन को हमने देखा कल, वो एक शपथ लेना चाह रहे थे भोजपुरी में, नहीं ले पाए। आप जानते हैं 8वीं अधिसूचना में भोजपुरी का अभी नाम नहीं है, उसको लेके आप लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं, आपने भोजपुरी को अलग पहचान दिलाई है फिल्मों के माध्यम से, ये इसके आगे क्या, कैसे इसको आप लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है भोजपुरी का पार्लियामेंट में? वो भी समय बहुत नज़दीक है, प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता निकाला है, जो भाषाएँ देश के बाहर मान्यता प्राप्त हैं उसको हम संविधान के 8वीं सूची में रखेंगे। ऐसी 3 भाषाएँ हैं, राजस्थानी जो नेपाल की भी भाषा है, भोटी जो भूटान की भी भाषा है, इंडिया की भी है, और भोजपुरी जो मॉरिशस सुरीनाम की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। तो इसको हम लोग अगले एक साल की और देरी है वो हो जाएगी जी। लास्ट सवाल, जाते जाते योगा डे है कल, कोई मैसेज, योगा मैसेज अरविंद केजरीवाल को देना चाहेंगे आप? अगर अरविंद केजरीवाल जी योगा करना शुरू कर देंगे, कल मैंने उनको इनवाइट भी किया है जी, तो उनका मन एकदम अच्छा होगा जाएगा, योगा करते ही 2 घंटे बाद वो आयुष्मान योजना शुरू कर देंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।